एवं धाम की शक्ति गरिमा तथा लाभ को नहीं समझ सकता। वाजे क्यों आ रही उसका? तो भगवान का जो नाम है इस जगत की सुदुर्लभ निधि है, दुर्लभ में भी दुर्लभ, सुदुर्लभ निधि है ये। हा हा हा, परंतु शास्त्र सदा जो शास्त्र और साधु से श्रवण किए बिना कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीला एवं धाम की शक्ति गरिमा तथा लाभ को नहीं समझ सकता। कहने का मतलब है कि जो भगवान का जो दुर्लभ नाम है इसको कैसे समझा जा सकता है बिना किसी साधु के? समझ में नहीं आएगा। शास्त्रों के आधार पर साधु के द्वारा श्रवण किए जाने पर तो बोलो क्लास चल रही है किए जाने पर शास्त्र तथा साधु से श्रवण किए जाने पर, तो बिना शास्त्रों के पढ़े और बिना साधु से, जब तक कोई साधु मतलब साधु भक्त जो भगवान के नामों में हर पल हर क्षण क्या करता है जी, संलग्न रहता है, ऐसे साधु से अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम है जी, दिव्य नाम का रूप का गुण का लीला का एवं धाम की शक्ति की गरिमा तथा लाभ को नहीं समझ सकता। बिना परंपरागत साधु के कोई भी व्यक्ति नाम के शक्ति को समझ नहीं पाएगा। समस्त वैदिक शास्त्रों में इस पवित्र नाम का दिव्य गुणगान हुआ है। इस पवित्र नाम का सारे शास्त्र यही कहते हैं कि नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कृष्ण के नाम को समझने के लिए हमें जो है शुद्ध साधु और शास्त्र, और शुद्ध साधु के द्वारा शास्त्रों के द्वारा भगवान के गुणों को समझना है, उनके लीला धाम में जाकर के उनको समझना है, तब जाकर के नाम के बारे में आपको पता लगेगा, वैसे पता लगने वाला नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है, इस बात को बताया गया है एक श्लोक के अंदर कि पवित्र नाम की तुलना, पद्म पुराण में कह रहे हैं कि पवित्र नाम की तुलना कैसे की गई है, चिंतामणि से की गई है। चिंतामणि, आहा, एक मणि है चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब है जो हमारे सारे जितने भी अविष्ट फल हैं उनको प्रदान करने वाली, चिंतामणि का मतलब है जो अविष्ट फल प्रदान करने वाली है, अविष्ट फल, ऐसी दिव्य मणि जो अविष्ट फल प्रदान करती, जो मांगो जो इच्छा करो सो ही प्राप्त हो जाए, ऐसी मणि। तो चिंतामणि मई की इसको उपमा दी गई है, पवित्र नाम की जो तुलना की गई है वो चिंतामणि से की गई है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक की दिव्य भूमि ऐसी ही चिंतामणियों द्वारा निर्मित है। आध्यात्मिक जगत, ये जगत नहीं जो भगवान का धाम है गोलोक धाम, उस धाम की भूमि कैसी है, चिंतामणियों से ही बनी हुई है। और ऐसी भूमि पर भगवान का धाम है और वहां पर भगवान क्या करते हैं जी, सुंदर सुंदर तरीके से भगवान चिंतामणिमयी जो भूमि है उसमें विराजमान रहते हैं भगवान। तो ये जो आध्यात्मिक जो जगत है उसको कृष्ण लोक कहा जाता है, गौलोक कहा जाता है। उसकी दिव्य भूमि कैसी है, चिंतामणि द्वारा निर्मित है। ये लोक अद्भुत है, अकल्पनीय है, दिव्य है, सुंदर है, पवित्र है। ऐसा लोक जो चिंतामणियों से बना हुआ है, और वही तो ये श्लोक जो है पद्म पुराण में से तो कहा गया है, नाम चिंतामणि, कृष्ण का पवित्र नाम एक दिव्य चिंतामणि है।
नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह। कृष्ण का पवित्र नाम एक दिव्य चिंतामणि है जो इच्छा पूर्ण करने वाली है। हाँ, इच्छा पूर्ण करने वाली जो मणि है बिल्कुल उसकी तरह है भगवान का नाम। जब हम नाम लेते हैं तो नाम जब लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे मन में जो विचार आ रहे होते हैं, हमारी जो वांछाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वो जिस वक्त जो इच्छा हमारी है मन के अंदर, उस वक्त जब तुम नाम ले रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो ये समझ लो जो तुम्हारे मन में वो होने ही वाला है, वो होने ही वाला है। तो कृष्ण का जो पवित्र नाम है एक दिव्य चिंतामणि है, जो इच्छा पूर्ण करने वाली मणि जिसको कहते हैं, यह निखिल चेतना एवं भावों का मूर्तिमान रूप है। जैसे जैसे तुम्हारे भाव हृदय में आते हैं उनको पूर्ण करने वाली यह एक विशुद्ध, ये क्या है, विशुद्ध है, सर्वदा मुक्त है। चूंकि कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण दोनों अभिन्न है। क्या कह रहे हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चिंतामणि नाम जो है भगवान का, ये जो नाम है भगवान का चिंतामणि जैसा है, और ये निखिल चेतना एवं भावों का मूर्तिमान रूप है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चेतना एवं भावों का मूर्तिमान रूप है, पूर्ण शुद्धो, ये क्या है, पूर्ण शुद्ध है, विशुद्ध है, पूर्ण विशुद्ध है, नित्य मुक्तो, और ये नित्य मुक्त है, ये किसी बंधन में नहीं है, नित्य मुक्तो, सदा सर्वदा मुक्त है, नित्य मुक्तो, अभिन्नतवान, और भगवान अभिन्नतवान नाम नामिनो है। तो क्या मतलब है कि ये भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, ये ऐसा है, भगवान के नाम से अभिन्न है, भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। इस श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, कृष्ण का पवित्र नाम, कृष्ण का पवित्र नाम अलौकिक आनंद से परिपूर्ण है। कृष्ण का जो पवित्र नाम है अलौकिक, अलौकिक मतलब इस दुनिया का नहीं है, गौलोक का है, ये गौलोक धाम से आया है, अलौकिक है। गौलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, आहा, तो ये नाम कहां से आया है, गौलोक से आया है, यहां का नहीं है, ये भौतिक नहीं है, ये हमारा स्वदेशी नहीं है, ये गौलोक से आया है, गौलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो कृष्ण का जो पवित्र नाम है अलौकिक और आनंद से परिपूर्ण है, है आनंद भरा हुआ है, इसमें रस भरे हुए हैं, सर्व रस, हाँ सर्व रस सम्मत है ये, हाँ ये नाम जो है परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, ये समग्र दिव्य वर प्रदान करता है। ये जो नाम है समग्र दिव्य मतलब सारी चीजों को आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है, और सब जो चाहते हैं वो वरदान प्राप्त करता है, प्राप्त कराता है, जो चाहो सो मिलता है, जो चाहो सो मिलता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण का पवित्र नाम अलौकिक आनंद से परिपूर्ण है, ये समग्र है, दिव्य है, और सबको वर प्रदान करता है, क्योंकि यह स्वयं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये स्वयं कृष्ण ही है, नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है, स्वयं कृष्ण है, जो समस्त आनंद के आगार हैं, आहा, जो समस्त आनंद के आगार, आगार कहते हैं घर, आनंद के घर है, जहां रहते हैं, रहने वाले जो घर होता है, भगवान समस्त आनंद के घर हैं, आनंद से समस्त आनंद के घर हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण का नाम पूर्ण है तथा यह समस्त दिव्य रसों का स्वरूप है। समस्त दिव्य रस, जो दिव्य रस हैं, रस रसों के बारे में, रसों की वर्णन हुई है, रसों का वर्णन हुआ है, तो रसों में 9 रस हैं लगभग, जहां तक मैं जानता हूं, तो इन 9 रसों में
जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को कहते हैं, श्रृंगार को कहते हैं वियोग, वियोग रस है। वियोग में जैसे मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, आहा, ये वियोग रस हो गया है। श्रृंगार रस, रसों की जो गणना है वो नौ प्रकार के रस हैं, और ये सब रस भगवान के नामों में हैं। श्रृंगार रस हो गया, अद्भुत रस हो गया, करुण रस हो गया, मतलब करुणा का, करुणा भरी हुई है इस नाम के अंदर, करुणा है। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य, कोई नहीं कुछ कर सकता, कृष्ण नाम लेने से क्या क्या हो सकता है, आश्चर्यमय होता है, ये भी रस है नाम के अंदर। कृष्ण नाम से क्या क्या हो सकता है, लोग आश्चर्य में हो जाते हैं, एकदम अचंभित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नाम रूप से इतना इतना सब कुछ हो गया, आश्चर्यमय है, ये रस है। वियोग रस, श्रृंगार रस हो गया, और अद्भुत रस आश्चर्य का, आश्चर्य रस है इसके अंदर, और करुण रस करुणा है, करुणा रस है, करुणा का भाव आ जाए ऐसा रस। हास्य रस, हंसी आनंद का रस है, कृष्ण की भक्ति आनंद में रहो भैया, एकदम आनंद में रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आनंद रस है, आनंद आनंद रस भी है इसके अंदर। और रौद्र मतलब क्रोध भी है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, क्रोध, क्रोध रस भी है, रौद्र रस भी है। वीर रस, वीर रस में उत्साह, उत्साह भी भरा हुआ है इसके अंदर। आपने देखा होगा जब जब भक्त लोग हरिनाम करते हैं तो उत्साह में कितने आनंदित हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, ओ जंप लगाएंगे ऊंची ऊंची, आनंद और उत्साह, उत्साह भरा हुआ है भगवान के नाम में, और थकते नहीं है। जो थके हुए लोग हैं वो भी हरि नाम जहाँ हो रहा होता है वह आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, सारी थकान दूर हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जहाँ तहाँ मंदिरों में घूमते घूमते हैं, जब थक जाते हैं तो अपने कृष्ण बलराम मंदिर में आकर के महाराज हैं सुंदर कीर्तन चल लिया होता है, और वहाँ जाके जब लोग नाचते हैं, बताते हैं वहाँ के क्या जो पूरा वृंदावन घूमे प्रभु जी मंदिर गए तो भैया वहाँ खूब नाचे खूब नाचे, तो थका हुआ व्यक्ति नाच सकता है क्या? परंतु हरि नाम के अंदर वो गुण है, वो रस भरा हुआ है, तो जब व्यक्ति नाचता है तो वो सारी थकान का नाश हो जाता है। उत्साह, वीर रस है इसके अंदर, भयानक रस भी है इसके अंदर, भय, भय भी है। असुरों को भय लगता है इस नाम से। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे भैया रहने दो, हमें जरूरत नहीं है, उन्हें भय लगता है। विभत्स रस भी है इसके, विभत्स मतलब घृणा, घृणा रस भी है इसके अंदर। और शांत रस, आहा, निर्वेद, शांत रस, सेवा रस, आहा, सेवा, सेवा का रस भी है। तो इतने सारे रस प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम पूर्ण है तथा ये समस्त दिव्य रसों का स्वरूप है। ये किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है, ये इस दुनिया का नाम नहीं है, ये कहाँ का है, अलौकिक, अलौकिक है, है? गौलोक धाम से आया हुआ है। कह रहे हैं कि ये स्वयं श्री कृष्ण से कम शक्तिशाली नहीं है। नाम जो है भगवान का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हरि नाम मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान से कम शक्तिशाली नहीं है, ये साक्षात भगवान है। लोग कहते हैं ना भगवान के हमें दर्शन नहीं होते, भगवान को दिखाओ। भैया जब तक तुम्हारे हृदय में द्वेष, ईर्ष्या, झूठ, कपट ये सब भरा हुआ होएगा तो हरि नाम में भगवान तुम्हें नहीं दिखेंगे। जबकि हम साक्षात देखते हैं, जब लोग हरि नाम पर खूब उछलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और खूब आनंद के साथ, वाले जो लंगड़े हैं, जिन जो लठ लेके चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, वो डंडी एक तरफ रख देते हैं और उछलते हैं, उन्हें नहीं दिखता कि ये इस वक्त किस भाव में, किस आनंद में, किसके द्वारा इनके अंदर शक्ति आ रही है। वो शक्ति हरि नाम की है, हरि नाम की शक्ति का, और साक्षात देखते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया, और फिर बाद में प्रश्न कर लेते हैं,
बाद में फिर प्रश्न कर लेते हैं, तो भगवान है कहाँ, हमें तो दिखते ही नहीं है। अरे साक्षात तो दिखते हैं, हरि नाम जहाँ हो रहा है वहां स्वयं भगवान है। भगवान ने नारद से कहा, हे नारद जी, नारद जी ने कहा, हे नाथ, मैं कई बार आपको वैकुंठ में देखता हूँ, गोलोक में देखता हूँ, आप मिलते नहीं हो। तो भगवान कहते हैं, अरे नारद, मैं वहाँ अवश्य होता हूँ जहाँ मेरे भक्त कीर्तन कर रहे होते हैं, मैं वहाँ अवश्य होता हूँ। तो ये बिल्कुल सत्य, अखंड सत्य है कि जहाँ भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा होता है, जहाँ संकीर्तन होता है, वहाँ भगवान होते ही होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चूँकि कृष्ण नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं है, इसका माया से कोई संबंधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये इस दुनिया का ही नहीं है, ये इस दुनिया का है ही नहीं, गौलोक का है प्रेम धन है, तो इसको ये संसार की कोई भी चीज छू कैसे सकती है। इस संसार की भौतिक चीज, माया चीज, मायावादी चीज जो है, जो इसको छू ही नहीं सकती। इसीलिए जब छू नहीं सकती तो मायावादी भागते हैं, इस नाम से मायावादी दूर भागते हैं, वो छू नहीं सकती, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है, तो नाम में इतनी शक्ति है। तो कहने का भाव है कि कृष्ण नाम सदा सर्वदा मुक्त तथा दिव्य है, सदा सर्वदा। ये कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं है, ये कभी भी भौतिक प्रकृति के द्वारा बद्ध नहीं है, ये जो भौतिकता के अंदर ये कभी बंध नहीं सकता, बद्ध नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण व कृष्ण का नाम अभिन्न है, अभिन्न चैतन्य चरितामृत में मध्य में इसको कहा गया 17.133 के तात्पर्य में ये कथा आती है। इस बात को प्रभुपाद जी ने इस चैतन्य चरितामृत के मध्य भाग में इस कहा है, ये तात्पर्य से लिया गया है, इतना सा जो अंक है। तो ये जो भगवान का जो नाम है, ये बड़ा गुह है, बड़ा गुह रहस्य है इसका, इसकी एक कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनना। उस कथा में बताया गया है, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से भजन का गुणतम रहस्य पूछा कि भजन का गूढ़ रहस्य क्या है, भजन का गूढ़ रहस्य बताओ मेरे प्रभु। शिष्य ने पूछा अपने गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि भजन का जो सर्वाधिक गोपनीय जो रहस्य है वो क्या है, सदा महामंत्र का जप करो, सदा महामंत्र का जप करो। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो अपने गुरु के आश्रम से निकल के वो जो व्यक्ति था जिसने प्रश्न किया, भक्त ने, वो आश्रम से निकल के वो शिष्य कुछ आगे गया तो कुछ धोबी, दरिद्र धोबी जो थे, गरीब लोग, धोबी लोग हैं, वहां उनसे मिला। यमुना के किनारे वो कपड़े धो रहे थे, कपड़े धो रहे थे उन्होंने, तो ये जो एक मणि उनके गुरु ने एक क्या किया कि एक मणि, मतलब एक पत्थर, मणि जो का पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर इतना बड़ा, और उसे दिया कि ये मणि मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसका क्या करके लाओ, मूल्य, इसका मूल्य है जी, इसका मूल्य लेके आओ, कितना है इसका मूल्य पता करो। तो अपने गुरु के आश्रम से निकलने पर वह शिष्य कुछ दरिद्र धोबियों के पास गया, यमुना के किनारे वो कपड़े धो रहे थे, उन्होंने देखा, तो उसने देखा कि वो हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। उसने कहा, कह रहे गुरु महाराज ने तो कहा था ये बड़ा रहस्यमय, ये गुणतम रहस्य है, ये क्या है, बड़ा गुह है ये, ये तो गुप्त नहीं है, इसको तो कोई भी जानता है, इस मंत्र को तो कोई भी जानता है, जो महाराज ने मुझे बताया, इस मंत्र को तो कोई भी जानता है, जो धोबी हैं वो भी गा रहे हैं है? फिर उसके बाद वो थोड़ा आगे गया तो कुछ कन्याएं गोबर इकट्ठा कर रही थी, तो उसने देखा कि वो कन्याएं भी हरिनाम कर रही हैं, कन्याएं भी हरिनाम कर रही हैं, तो ये तो कुछ
बात समझ में आई नहीं कि महाराज ने कहा है कि सर्वाधिक गोपनीय रहस्य है, तो ये तो सर्वाधिक गोपनीय कहाँ है, यहाँ तो दरिद्र धोबी भी हरिनाम कर रहे हैं और ये गोबर बीनने वाली कुछ बच्चियाँ हैं ये भी हरिनाम कर रही हैं। फिर थोड़ा सा आगे गया, एक रिक्शे में बैठ करके वो जाने लगा, तो वो रिक्शे वाला दुबला पतला वृद्ध जो था जो चला रहा था रिक्शा, वो भी हरिनाम कर रहा है, वो भी रास्ते में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, वो भी गाता जा रहा है। अपने गुरु से मिलने पर जो शिष्य ने महामंत्र की ये प्रति जो संख्या उसे हो गई, जो गुरु ने कहा था कि ये बड़ा गुहतम है, तो ये गुहतम तो नहीं है, तो उसको जो अपने गुरु पे थोड़ी शंका हुई कि गुरु महाराज कहते हैं कि ये गुहतम है, गुरु अब जाके मैं गुरु महाराज से बात करता हूँ, तो गया जा करके उसने कहा कि हे गुरु महाराज, आप तो कहते थे ये बड़ा रहस्यमय है और आप तो ये तो हर भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को पता है इसके बारे में, कोई भी, मैं धोबियों के पास गया हुआ, धोबी जो है वो भी हरिनाम कर रहे थे और कुछ बच्चियां गोबर बीन रही थी वो भी हरिनाम कर रही थी, और रिक्शे वाला रेड़े वाला महाराज, कोई भी जो व्यक्ति वृंदावन में है जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है वो सब हरिनाम कर रहे हैं, सब हरिनाम जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सब जानते हैं, सब बोल रहे हैं, तो ये गोपनीय कहाँ से हो गया। तो गुरु महाराज ने ज्यादा लंबी बात न करके उस भक्त को क्या किया, गुरु महाराज ने एक बहुमूल्य मणि एक पत्थर दे दिया, मणि देते हुए कहा कि इस मणि को जाकर के उस धोबी से कहना कि तुम कितने में लोगे, इसका क्या दाम दे सकते हो, फिर उससे पूछना, रिक्शे वाले से पूछना, फिर उन बच्चियों से पूछना, जो भी तुम्हें रास्ते में मिला था जो हरिनाम कर रहा था उससे पूछना कि तुम इस पत्थर का इस मणि का क्या मूल्य दोगे। तो जब वो गया भक्त धोबियों के पास, जो धोबी मिले थे उनसे कहा कि ये जो पत्थर है मणि है आप इसका, आप इसे ले लीजिए और आप इसका क्या दाम मुझे दोगे, तो उन्होंने कहा अरे भैया ये हमारे किस काम आएगी, हम इस पत्थर का क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धोएंगे इससे, इसको कपड़े पीटने के लिए ले सकते हैं, हम इसका क्या दाम दे सकते हैं, हम इसका क्या दाम देंगे, हम 2-4 रुपए दे सकते हैं। उसने कहा नहीं 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 मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये इतने की नहीं है। फिर वो आगे जो बच्चियां गोबर बीन रही थी उनके पास गया, जाके कहता है तुम ये मणि लोगी, ये मणि जो है बड़ी मूल्यवान है, तुम इसका क्या दोगे। तो उन्होंने कहा बच्चियों ने हम क्या करेंगे इस पत्थर का, ये हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा गोबर बीनने के काम आ जाएगा, हम इसका क्या देंगे, 1-2 रुपया या 10-20 पैसे हम क्या देंगे इसका। फिर वो आगे गया, उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर वो रिक्शा वाला जो मिला उस रिक्शे वाले से पूछा कि क्या तुम इसके जो मणि है बहुत महत्वपूर्ण बड़ी मूल्यवान है ये मणि, तुम इसका क्या दोगे। तो उसने कहा अरे भैया ये थोड़ा पत्थर खुरदरा है, तो खुरदरा पत्थर है तो मैं जब नहाता हूँ तो मेरी एड़ी रगड़ने के काम आ सकता है और तो किसी काम का ये है नहीं, तो मैं इससे एड़ी वगैरह पैर अपने रगड़ लिया करूँगा, तो मैं इसका क्या दूंगा आपको, 10-5 पैसे दे सकता हूँ। उसने कहा नहीं 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 ये आपके काबिल नहीं है, आपको मैं नहीं दूंगा। तो शिष्य ने उन्हें मणि देने से इनकार कर दिया। तो मणि देख करके वो शिष्य पुनः वापस अपने गुरु के पास आया और आकर के गुरु महाराज को प्रणाम किया और बोला हे गुरुदेव, कोई भी इस मणि का उचित मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं दे रहा है जितने की आप इसे बता रहे हो, ये मणि इतनी कीमती है कोई भी इसका मूल्य जानता नहीं है। तो महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं जो केवल तो कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार जैसे इस मणि का मूल्य उन लोगों को पता नहीं है, ऐसे ही हरि नाम का मूल्य सबको पता नहीं है, सबको पता नहीं है। तो क्या करना है, इसकी गरिमा को कोई नहीं समझ सकता, वे हरे कृष्ण जप के प्रति उदासीन है उसे पता नहीं है। हम लोग हरि नाम करते जरूर हैं पर हम उसके प्रति उदासीन हैं, बस करना है ऐसा सोच के करते हैं। गुरु महाराज ने कह दिया है, भक्तों ने कह दिया है, सारे शास्त्र कह रहे हैं कि हरिनाम करना है, तो बस हम कर रहे हैं, बाकी हम उदासीन हैं उसे
उस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि हरि नाम ही साक्षात भगवान है। उस तरीके से अगर हरि नाम को ले, हरि नाम का अलग ही कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो कहने का भाव है कि हर व्यक्ति जैसे वो भक्त मणि को लेके घूमता रहा, कोई भी उसका पूरा मूल्य नहीं बता तक नहीं पाए लेने की तो बात क्या, तो उसी प्रकार हरि नाम को भी हर व्यक्ति नहीं समझ सकता उसका मूल्य क्या है, उसे निसम उदासीन रहते हैं। इस कारण हरे कृष्ण महामंत्र वह प्रकट रहस्य है जो केवल योग्य व्यक्तियों के समक्ष ही प्रकाशित होता है। तो भैया इसलिए कहा गया है पद्म पुराण में कि नाम चिंतामणि, ये कृष्ण का पवित्र नाम जो है एक दिव्य चिंतामणि है, जो इच्छा को पूर्ण करने वाली मणि है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये निखिल चेतना एवं भावों का मूर्तिमान रूप है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, ये पूर्ण विशुद्ध है तथा सदा सर्वदा मुक्त है, क्योंकि कृष्ण नाम नित्य मुक्तो अभिन्नतवान नाम नामिनो। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद इस बात को इस श्लोक में बता रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए भैया, मौका है अभी। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप भगवान अवतार लेते हैं, तो हमें बड़े हृदय से भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अपने जीवन से जोड़ देना चाहिए और दिल से रोज 16 माला करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो 16 करते हैं उन्हें और बढ़ा दो, और जो दो चार दो माला करते हैं वो 4 माला करना शुरू कर दो, जो बिल्कुल ही नहीं करते हैं वो 1 माला से शुरू करो भैया, है बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण नाम चिंतामणिमयी है, ऐसी चिंतामणि रूप, इसी चिंतामणियों से भगवत धाम बना हुआ है। ऐसे धाम में प्रवेश करने के लिए आपको नाम के साथ जुड़ना ही होगा। नाम ही भगवान है, भगवान से अगर आप संबंध रखोगे तभी उस धाम के वासी हो पाओगे, नहीं तो भैया पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटे सहनम, बार बार जन्म होगा बार बार मरेंगे, कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन ऐसे ही निरर्थक चला जाएगा। तो सबसे निवेदन है कि बड़े प्रेम से भगवान के नामों का उच्चारण करा करें, और दिन प्रतिदिन हमारी सोच होनी चाहिए कि उस नाम में शुद्धता आए, हमारा जो उदासपन है, जो हमारा जिस तरीके से हम ले रहे हैं नाम को उस तरीके से न लेकर के उसमें क्या करना है, एकाग्रता चाहिए, लोलुपता चाहिए, भूख चाहिए, प्यास चाहिए उसके अंदर, के नाम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसा सोच के हमें भगवान का नाम करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।